नए कपड़े, नए गहने, नया मेकअप। अरे तीज का त्योहार है, इसका तो मजा ही इसमें है। वैसे नया नया तो कुछ हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है क्या? आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं नीतू चंद्रा के साथ, जिन्होंने आप बहुत कुछ किया है। इनकी फिल्में आपने देखी हैं, थिएटर भी करती हैं, लेकिन ये काफ़ी समय से एलए में सेटल हो गई थी, लेकिन भारत से इनका कनेक्शन छूटा नहीं है। इनको भारत बुलाता रहता है, ये आती रहती हैं, और इस बार हमने इनको बुलाया तो मुंबई आई हैं, लेकिन एक पर्पज़ के साथ। इनका एक नया म्यूज़िक वीडियो आ गया है जो बहुत ही धमाकेदार है। तो नीतू, वेलकम टू मुंबई। थैंक यू सो मच। तो मौसम बड़ा सुहाना है, बारिश जा रही है, और मुंबई आपको फाइनली खींच लाई एलए से। मुंबई हमेशा खींच लाती है, क्योंकि कहते हैं कि तो आप कहीं भी जाएँ लेकिन मुंबई आके आपको सुकून मिलता है, और वही वाली बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आ पाई और आज आपके पास हूँ और ये इंटरव्यू कर रही हूँ इस वीडियो के जरिए से। सो मुझे बहुत खुशी है। मुंबई में जो देखिए लोकल ट्रेन का साउंड होता है, एक इस सिटी में म्यूजिकल है तो ये मिस कर रही थी एलए में। बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तो लोकल ट्रेन में बैग्स लेकर डिफरेंट ऑडिशंस पे जाते थे, जैसे सब नए न्यू कॉमर्स करते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस है लाइफ का, जो आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे तुम बहुत चीज़ें सीखते हो। तो कुछ बताएं इस म्यूज़िक वीडियो के बारे में, क्या है, और इसमें एक एकदम आपका धमाकेदार लुक दिखाई दे रहा है, तो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? सो दिस इज़ संग बाय पायल देव एंड द लिरिक्स राइटर इज़ मुरली जी, हु इज़ रिटन इन अ वेरी धमाकेदार स्टाइल, बिकॉज जो वो लिख भी रहे थे तो वो ऐसे कि आपके अराउंड ऐसा होना चाहिए एंड दिस शुड बी अ डांस नंबर, सो ही हैज़ रिटन इट। एंड राज इज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर, बट एंड इट्स रिलीजिंग ऑन स्पॉट लैम्प विच इज़ द मेन प्लेटफॉर्म। आई हैव डन अ डिफरेंट डांस नंबर इन दिस बिकॉज वेरी फ्यू पीपल नो दैट आई कैन रियली डांस वेल ऑल्सो आई, बट माई मूवीज फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल टू वही लकी, और अभी जो मैं उमराव जान थिएटर करती हूँ, मुझे लगता है कि यू नो लोग हमेशा स्टीरियोटाइप करते रहते हैं, तो एज एन एक्टर मैं कोशिश करती हूँ कि आई सरप्राइज पीपल एंड सरप्राइज माई सेल्फ ऑल्सो। फॉर दिस नंबर इज़ अ वेरी ग्रूवी एंड एवरी सॉन्ग हैज़ इट्स ओन स्टोरी, उसका खुद का किस्मत होता है। तो आई थिंक दिस वे दिस सॉन्ग इज़ गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, पीपल आर लविंग माई लुक्स, आई एम लविंग इट टू बिकॉज इट गिव्स मी अ डिफरेंट पर्स्पेक्टिव ऑफ माई ओन कैरेक्टर, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस गाने को सुन के। ये बताएं कि आप छोड़ के क्यों चली गई मुंबई और एलए क्यों चली गई यहाँ पे? बिल्कुल छोड़ के नहीं गई हूँ एक्चुअली। जब मैं वहाँ जाती थी शुरू में तो लोग सोचते थे मैं ब्राज़ीलियन हूँ या इटालियन हूँ या लेबनन हूँ, और मुझे लगा कि मैं एक ग्लोबल एक्टर हूँ, और अपनी सीमाओं को कम रखने से अच्छा है कि एक ही ज़िंदगी है, तो यू नो यू मेक योर ओन अपॉर्चुनिटीज़ एंड को क्रिएट योर प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आप बनाएं, अगर आप बना सकते हैं। तो मैंने वही कोशिश की और वो कामयाब भी हो गई, मुझे वर्क वीज़ा मिल गया वहाँ का। तो मैंने सोचा मैं बेस्ड आउट वहाँ रहूँगी, लेकिन मैं हिंदी फिल्में भी कर सकती हूँ। अभी मैंने आप लोगों को आपने सुन पढ़ा होगा, मैंने एक कोरियन टीवी सीरीज़ साइन किया है, आई एम डूइंग अ स्पेनिश फिल्म, आई ऑलरेडी फिनिश्ड अ ग्रीक फिल्म जो यूट्यूब पे उसके प्रोमोज़ भी हैं। तो आइडिया क्या रहता है, अच्छी स्क्रिप्ट करिए, आप किसी भी भाषा में करिए। मैंने उधर तमिल में भी 4 फिल्में की हैं, तेलुगु में 3 फिल्में की हैं, हिंदी में 13-14 फिल्में की हैं, तो मैं कर रही हूँ। जैसी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, मैंने बस यही किया है कि अपने लिए सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द ग्लोब जितने हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, और बस यूनिवर्स मुझे देता जाए और मैं अच्छे कॉन्टेंट वर्क करती जाऊँ। जी, तो क्या आप एंजॉय करती हैं इस म्यूज़िक वीडियो में? डांस वांस है, काफ़ी मूव्स है, एकदम यू नो आप एक ग्लैमरस अवतार में नज़र आ रही हैं, एकदम ट्रैफिक सिग्नल का जो आपके कैरेक्टर देख के पर तो कितना मज़ा आया पूरा ये म्यूज़िक वीडियो शूट करने में? मुझे बहुत मज़ा आया एक्चुअली। मुदस्सर ने उसे कोरियोग्राफ किया है, आप जानते हैं मुदस्सर इतने अमेजिंग कोरियोग्राफर हैं, और जो कैमरा मैन है वो बजरंगी भाईजान के कैमरा मैन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है द वे ही शॉट। ऑल्सो मेरा उनके साथ ये भी कनेक्शन था क्योंकि वो तमिल से हैं, तो मैं उनसे कुछ तमिल में बात भी करती रहती थी। हमने 3 दिन रिहर्सल किया और वी वर लाइक ऑल ओवर द होल प्लेस, क्योंकि हम रात को शूट कर रहे थे और पूरी टीम अगर गाना नहीं भी बज रहा तो भी ग्रूव कर रही थी। तो आई लाइक ये तो सारे क्लब्स पब्स डांस शादियों में बहुत बजने वाला है, एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क तो लोगों को दिखते हैं, लेकिन उनको
डांस गाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डांस गाने हमारा बेस है, तो पीपल ऑलवेज वॉन्ट. बट मेरे लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है. मैं थिएटर भी करना चाहती हूँ, डांस गाने भी करना चाहती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा थिएटर पे ज़्यादा और एक्टिंग पे ज़्यादा मेरा मतलब झुकाव रहता है. क्योंकि यू नो एक कहते हैं शेर को खून का लत लग जाता है ना, जब आप थिएटर करने लगते हैं तो आपको लगता है. बट ये सॉन्ग इज़ ऑल्सो कीपिंग मी आउट ऑफ माई इमेज ऑफ वेरी सीरियस काइंड ऑफ, जनरली आई एम नॉट. तो मैं बहुत ही फ़नी टाइप की हूँ और मज़ा करती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ. और मेरा घर भी बहुत, मतलब मेरी मम्मी और सब लोग बहुत म्यूजिकल पीपल हैं. सो आई गेट दिस चांस टू डांस विद द होल फैमिली एंड यू गाइस डांस टू यू टू हो जाए डांस कुछ आपकी गुनगुना सके और थोड़े हमें एक मूव दिखा दें इसमें. मैंने डांस बोला था, मैंने गाना कहाँ कहा था कि मैं गाती हूँ. डांस भी जरूरी, दोनों हाथ पे हैंड एंड ग्लव चलते हैं. मैं लिपसिंग कर सकती हूँ. चल आज बावले साथ में इश्का गुड़गुड़ावांगे, चल आज बावले साथ में इश्का गुड़गुड़ावांगे. तो ये मुझे हरियाणवी झलक दिख रही है. और आपने एक फिल्म की थी उसमें आपने बहुत बेहतरीन हरियाणवी कैरेक्टर निभाया था, जिसे इंस्पायर होकर एक टीवी सीरियल बना, बहुत कम लोग ये जानते हैं. तो वो जो कैरेक्टर था चौटाला आई थिंक, तो ये और हरियाणवी, हरियाणा लगता है और बिहार कुछ कुछ, और आपका होम टाउन. नहीं, आई एम, मेरा होम टाउन बिहार एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी फ्रॉम बिहार. आई एम ए प्राउड बिहारी. जहाँ लड़कियाँ हीरोइन बनने का सपना नहीं देखती हैं, स्पोर्ट्स गर्ल्स बनने का सपना नहीं देखती हैं, तो पहली मतलब मुझे ही बताया गया है कि मैं पहली लड़की हूँ वहाँ से आकर जिसने कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा किया. और इंडिया को 3 बार मैंने रिप्रेजेंट किया है. आई एम ए ब्लैक बेल्ट 4 डैन इन टाइकोंडो. और मैंने बिहार को ही रिप्रेजेंट किया हमेशा. और अब मैं बिहार की पहली प्रोड्यूसर बन गई हूँ जिसने बिहार को पहला नेशनल अवार्ड हम लेकर आए हैं. मेरे प्रोडक्शन हाउस है चंपारण टॉकीज विथ माई ब्रदर नितिन चंद्रा. आई एम वेरी वेरी प्राउड कि उसने इतनी सारी फिल्म मेकिंग में पढ़ाई करने के बाद भी ये रेवोल्यूशन की बिहार की फिल्मों में अच्छा काम करना है. ग्रेट कंटेंट, 5 भाषाएं हैं जो लिटरली डाइंग भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका, जो राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल्ला खान की भाषाएं नहीं हैं, 3 धर्मों की भाषाएँ, वो अब धीरे धीरे लोग बात करना उन्होंने छोड़ दिया है. तो अब हम क्या करते हैं कि हम वहाँ के A+ आर्टिस्ट जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उन सबको लाते हैं और वी ट्राई टू कास्ट देम इन आवर फिल्म्स. और उसमें कास्ट करते हैं, वहीं पे जॉब क्रिएट करते हैं, टैक्सेस देते हैं, तो ये सारे माहौल एक क्रिएट करते हैं. और मतलब 12 करोड़ की जनता है बिहार की, प्लस बिहार से बाहर 37 मिलियन पीपल इन भाषाओं में बात करते हैं अक्रॉस द ग्लोब. तो अगर इन भाषाओं में अच्छी कंटेंट बनाई जाए पूरी दुनिया देखेगी. सबटाइटल कर सकते हैं. अगर हम माजिद मजीदी की फिल्में देखते हैं और जब जापानीज़ फिल्में देखते हैं, कोरियन फिल्में देखते हैं और हर भाषा, मैक्सिकन, इटालियन, ग्रीक, सब फिल्में देखते हैं. आजकल इंटरनेट ने तो भाषा का वो पूरा बंधन तोड़ दिया है. हाँ, पतला सा लाइन रह गया है. तो सबटाइटल के साथ फिर वो भोजपुरी, मैथिली भी देखेंगे. आज देखिए कोंकणी फिल्में ऑस्कर जा रही हैं. मराठी फिल्मों पर कितना गर्व है. मेरी जो हमारी जो इंस्पिरेशन है वो मराठी फिल्में हैं, यहाँ के डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने भी 15-20 साल पहले एक फ़ाइट किया था कि ख़राब फिल्में ना बनने देंगे, ना देखेंगे, ना देखने देंगे. दैट इज़ द इंस्पिरेशन दैट हम लोग फॉलो कर रहे हैं आज, कि अब ख़राब फिल्में हमारी भाषा है, तुम अपनी इस जन्म में तुम अपनी माँ और मातृभाषा को कैसे छोड़ सकते हो. मैं नहीं छोड़ सकती, ना ही मेरा भाई छोड़ सकता है. तो हम लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस बनाया है जो इसके तरफ काम करता है. एंड वी आर हेयर फॉर लास्ट 8 ईयर्स नाउ, बट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. एंड आप अगले साल तक देखेंगे बहुत सारे कंटेंट बाहर हैं. तो बस अब मैं जानना चाहूँगा कि अब और इसके अलावा क्या क्या कर रही हैं और लेले, मुंबई, सब कैसे बैलेंस कर रही हैं. जैसे मैं पूरी ज़िंदगी में, सब लोग पूछते हैं तुम थिएटर भी करती हो, मार्शल आर्ट्स भी करती हो. NBA से मैं 7 साल से जुड़ी हूँ और बास्केटबॉल को प्रमोट करती रहती हूँ यहाँ पर. आई प्रोड्यूस, आई एक्ट. आइडिया क्या है कि जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसमें बेस्ट करना है. बिकॉज मैं किसी बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ. हर बार के काम में आप अपने आप को प्रूव करते हैं और मुझे बहुत खुशी है. आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट मुझे ये मौका मिला भी है कि मैं कर पा रही हूँ ये. और बैलेंस तो देखिए, आज तो एक फ्लाइट अवे ही है पूरी दुनिया, 20 घंटे का रास्ता है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है. तो मुझे तो जहाँ भी मौका मिलता है और अच्छी स्क्रिप्ट आती है मैं वहाँ चली जाती हूँ. और मुंबई में भी जैसे 2 फिल्में अभी चल रही हैं हिंदी में और एक कोरियन में. अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म ख़त्म किया है
लॉस एंजलिस में, उसका नाम है द वर्स्ट डे, एंड एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ वहाँ पे, तो वो चल रहा है. सो आई डोंट सी इट कि ओ माय गॉड हॉलीवुड जाना है मुझे, वहाँ करना है, ऐसा कोई सोच नहीं है. अच्छी कंटेंट जहाँ भी मिल जाए आपको वहाँ जाना है. वहाँ से मुझे मिल रही थी तो मैंने वहाँ कर लिया, अब मुझे ग्रीक से मिली तो मैंने वहाँ कर लिया. तो मेरे लिए ऐसा कोई हवा वाली बात नहीं कि वो हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, नहीं, मैं हर जगह काम कर रही हूँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा है. आपका भी बहुत शुक्रिया, आज तक का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया. तो आप बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया की खबर पर.